जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में संघ प्रचार प्रमुख नितिन कुमार की पत्नी रश्मि ने आज अपने भाजपा नेता अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप। भतीजे ने मिलकर पहले तो उनके साथ मारपीट करी, उसके बाद फिर जो है थाने में रिपोर्ट गई, थाने में उन्होंने बैठाल के रखा। 12 बजे उन्होंने छोड़ा कहने पे, उसके बाद 1:30 बजे ये लोग मेरे ससुर भतीजे और मेरे बीजेपी के साथ में काम करता है, हम भी बीजेपी के समर्थक हैं और हम इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो हमने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन जो बीजेपी के पद की वो जो है गरिमा को खराब कर रहे हैं और वहाँ पे जो है मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं हम लोगों को अपने काम करवाने के लिए, उस पद का अभिमान दिखा रहे हैं और उसका जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। अब आपने क्या शिकायत की अपनी? अपनी शिकायत हमने जो है जाके पहले यहाँ पे करी थी, हमारी सुनवाई नहीं हुई पुलिस में, जिसके वजह जो हमने एस पी के पास गए हुए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने यहाँ रिफर किया सी ओ के पास और यहाँ पे जो है हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है शाम को हम आपके पास होते हैं, दोनों पक्षों को बुलाते हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। आप इनके पति हैं, क्या लग रहा है, किससे आप प्रताड़ित हैं? मैं अपने पिता से, अपने भाई से और अपने भतीजे से प्रताड़ित। तो क्या, क्यों आप क्या दबाते हैं, क्यों दबा रहे हैं वो आप? ये इसलिए दबा रहे हैं कि हमारे जो पिताजी हैं उनका, हमारी बड़ी जो भाभी हैं उनके साथ में अवैध संबंध है और वो इस चीज़ को मेरी वाइफ को भी फोर्स करते हैं करने के लिए कि तुम्हें इनके साथ अवैध संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। हमने जब इस बात का विरोध करा तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, हम पुराना घर छोड़कर दूसरे घर में रहने आ गए। उसके बाद भी उन्होंने उनके फ़ोन पर अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पर भेजने शुरू कर दिए और वो पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिए कि जिस तरह हमने तुमसे कहा था उस तरह तुमने कभी नहीं किया। इन्होंने उनके मैसेजों का रिप्लाई करना बंद कर दिया और वो मौखिक रूप से आके धमकी देने लगे घर में। अभी भी वही मसला चल रहा था तो उसके लिए हमने कोर्ट में केस डाला, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी पुश्तैनी है, इसमें हमारा भी हक बैठता है। इस चीज़ का उन्हें बहुत गुस्सा आया। कल उनके पास जब नोटिस आया, उन्होंने पहले मेरी दुकान का सामान तोड़ा, उसके बाद सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया और मुझे वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारा था उन्होंने, जिसके निशान आप देख सकते हैं, मेरे हाथ पे भी, मेरा सिर भी फटा हुआ है, मेरे पैर पर भी निशान आप देख सकते हैं, गले पे मेरे निशान है, धारदार हथियारों से मेरे पर हमला करा। उसके बाद मैं थाने में गया तो मुझे को थाने में बिठा लिया गया, क्योंकि ये लोग बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने अपनी पूरी पावर से थाने को अपने प्रभाव में ले लिया और मुझे वहीं पे बिठाया रखा रात 12 बजे तक। 12 बजे मैं किसी तरह छुप कर अपने घर गया तो 1:30 बजे ये लोग फिर दोबारा मेरे घर में आए और इन लोगों ने आकर मेरे ऊपर देसी कट्टा लगा दिया, कहने लगे कि तुझे मुकदमा करना हम सिखाएंगे। जब मेरी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उससे कहने लगे कि तेरा आज हम गेस्ट हाउस कांड बनाएंगे, तू बहुत बयान देती है, और उसके बाद हमने जो है बदसलूकी करी, उसके कपड़े फाड़े, बलात्कार करने की कोशिश करी। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं जानसठ से प्रचार प्रमुख हूँ संघ की शाखा से। आज एक संघ वाले को ही बीजेपी वालों ने बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा है। बीजेपी राज में एक संघ वाला ही न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कल से अब तक मैं पुलिस के पास कई चक्कर लगा चुका लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो बीजेपी का नेता है और बीजेपी वालों ने इस समय पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है जनपद के अंदर। क्या आपने किसी से हेल्प ली रास्ते जो आपके साथ हादसा हुआ? जी हाँ, हेल्प के लिए हमने 100 नंबर, 108 नंबर, 181 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, 1090 सभी पर कॉल किया और हम लगातार एक घंटे तक कॉल करते रहे लेकिन किसी हेल्पलाइन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो इन हेल्पलाइन का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। अभी आपने देखा भी, आपने सुना, यह था मामला, बन गया है आरएसएस बनाम बीजेपी के बीच। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो कि आरएसएस के जानसठ के संचालक हैं और प्रचार प्रमुख हैं, उनकी पत्नी के साथ उत्पीड़न लगातार उनके ससुराल वालों से, उनकी पत्नी जो है उन्होंने आरोप लगाया अपने ससुर पर, उनके परिजनों पर आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार उनके साथ शोषण किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाने का भी लगातार उन पर दबाव डला है। उन्होंने कुछ नाम लिए, वो हमने आपको सुनवाए हैं, उसके अलावा भी और बहुत से मामले ऐसे बने हैं। अगर इस पर महज यकीन कर लिया जाए तो क्या ये मामला मारपीट का है, घर का है, पारिवारिक रंजिश है, लेकिन अगर सच्चाई पे जाया जाए एक महिला के साथ क्या ये उत्पीड़न हो रहा है तो बड़ी गंभीर अवस्था होगी। मामला अब खुलकर सामने आ रहा है कि एक तरफ परिवार में जो है वो बीजेपी के नेता है, दूसरी ओर आरएसएस का मामला है, क्या इसको न्याय मिल पाएगा? ये अपनी रिपोर्ट लेने के बाद थाने पहुंची, थाने के बाद आज टीएससी पर पहुंची है अपना मेडिकल कराने के लिए। देखना है कि क्या अब आरएसएस बनाम भाजपा की लड़ाई में किसी महिला को न्याय मिल पाएगा अथवा नहीं। मैं आरिफ चीश मेली, चीफ एडिटर बार और बैच, एन न्यूज़ रिपोर्टर लखनऊ और मुजफ्फरनगर।